हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मंथ के जितने भी साइंस और टेक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि पूरे महीने का जुलाई का जितने भी साइंस और टेक के रिलेटेड जितने भी न्यूज है मोस्टली मैंने कवर करने का ट्राई किया है, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कॉमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है मेरे बारे में, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे आप अपने अकाउंट रीडिंग या कोई भी कोई डाउट हो एग्जाम के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूज है कि IIT गांधीनगर ने क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेवलप किया है। वो क्या करेगा कि टेस्ट होगा उसके एक्सरे से COVID-19 को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद जो न्यूज है वो है IIT कानपुर ने क्या डेवलप किया, तो एक ऐप बनाई है, ठीक है, सेटअप बनाया है मोबाइल मास्टर जी। वो किसके लिए, तो के घर से पढ़ाने के लिए, होम टीचिंग के लिए। और ये है मोबाइल मास्टर जी के बारे में कुछ डिटेल में, जिसको आप वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद IIT कानपुर ने क्या बनाया है, तो शुद्ध नाम का एक डिवाइस बनाया है, ठीक है, जो अल्ट्रा वायोलेट बेस पे है। वो क्या करेगा, सैनिटाइजेशन के लिए यूज होगा। शुद्ध का फुल फॉर्म क्या है, तो कि स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, जो शुद्ध का फुल फॉर्म है। उसमें क्या होगा, तो 6 अल्ट्रावायोलेट लाइट होगी, 15 वॉट की हर एक लाइट। और इसके बारे में डिटेल में बताऊं तो 10x10 फीट का जो रूम होगा उसको वो 15 मिनट में डिसइंफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है IIT दिल्ली ने क्या बनाया, तो COVID-19 डायग्नोस्टिक किट बनाया जिसका नाम है कोरोश्योर। उसके बआद है IIT मद्रास ने मेडिकैप बनाया है, मतलब एक छोटा सा हॉस्पिटल। और कहाँ पे इसको लॉन्च किया, तो केरल के वायनाड में। उसके बाद कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम COPS वर्क प्लेस पे डिसइंफेक्शन के लिए, मतलब उसके लिए क्या बनाया, तो CSIR और CMERI दुर्गापुर ने एक डिवाइस बनाया, सिस्टम बनाया है जो डिसइंफेक्शन के लिए काम में यूज होगा। तो उसमें 3 जो है वो डिवाइस होंगे, अलग अलग पार्ट होंगे, 3 यूनिट होंगे, सैनिटाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसरो ने लॉन्च किया ब्राजील का सैटेलाइट जिसका नाम है Amazonia 1, और इसरो के बारे में कुछ डिटेल में भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है UAE ने लॉन्च किया होप मिशन, किसके लिए, तो के मार्स के लिए। उसके बाद है एम्स नागपुर ने डिजाइन और डेवलप किया स्मार्ट रिस्ट बैंड, किसके लिए, तो के इफेक्टिव ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ COVID-19 पॉजिटिव एंड सस्पेक्ट पेशेंट्स। उसके बाद है साउथ कोरिया ने पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है NSS-2 बाय Falcon 9 रॉकेट। उसके बाद है चाइना ने लॉन्च किया Tianwen फर्स्ट, चाइना का फर्स्ट रोवर मिशन टू मार्स। उसके बाद है IIM कोझिकोड़े, तो उसने क्या बनाया है, तो एक बेली बैंड बनाया है, किसके लिए बनाया है, टू हेल्प इन मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग बाय सेंडिंग आउट अलार्म इन केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी विद अनदर पर्सन, ठीक है, जब भी एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब ये अलार्म बजेगा। उसके बाद है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उसने क्या बनाया है, तो के आश्रय बनाया, आश्रय ये क्या है, तो के मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू कॉम्बैट COVID-19। इसके बारे में डिटेल में बताओ तो यदि ये 10 बेडों के लिए यूज होगा तो 1,00,000 के लिए, और घर पे किसी को आइसोलेशन के लिए यूज करना है, ठीक है, होम क्वारंटाइन के लिए, तो 15,000 में 1 बेड के लिए ये किट आ सकती है। उसके बाद है CSIR और CSIO ने मिलकर क्या बनाया है, तो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस कॉन्टामिनेशन बॉक्स बनाया जिसका नाम है सुरक्षा। उसके बाद है रामविलास पासवाल ने क्या लॉन्च किया, तो कि BIS केयर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का फुल फॉर्म, ऐप लॉन्च किया, किसके लिए, टू चेक द ऑथेंटिकेशन ऑफ ISI एंड हॉलमार्क क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट। उसके बाद है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है ऐप जिसका नाम है मौसम, किसके लिए, तो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और किसने बनाया वो भी नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया है तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक और डिसलाइक मुझे खुश आप प्रेस कीजिए, और डिसलाइक करते तो आप बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।